हेलो बच्चों, हम आज नए चैप्टर की बात करेंगे आनुवंशिकी की। ठीक है, आनुवंशिकी जो है बच्चों वो जीन शब्द से आया है। ठीक है, सबसे पहले जो आनुवंशिकी या जो जेनेटिक टर्म है, जो शब्द है, वो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 के अंदर दिया था। जो एग्जाम्स में, जो पेपर में पूछा जाता है बच्चों की जो आनुवंशिकी या जो जेनेटिक शब्द है, ये किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने दिया था 1905 में, 1905 या 1906 भी लिखा आता है कई बार। ठीक है बच्चों, जो आनुवंशिकी है इसका मतलब क्या होता है? बच्चों, आनुवंशिकी का मतलब होता है आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को ही आनुवंशिकी कहा जाता है। मतलब आनुवंशिकता क्या होता है बच्चों? आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी और विभिन्नता मतलब वेरिएशन के अध्ययन को कहा जाता है। समझ आया? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। आनुवंशिकी क्या हो गया बच्चों? आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को ही आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकता, जो आनुवंशिकता है बच्चों, इसे वंशागति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंशागति। ठीक है, इसमें बच्चों दो नए शब्द आए हैं, एक तो आनुवंशिकता मतलब वंशागति और दूसरा विभिन्नता। इन दोनों के बारे में अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब वंशागति। क्या होता है बच्चों वंशागति या आनुवंशिकता? ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो चरित्र का जो संचरण या जो स्थानांतरण होता है बच्चों, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? वंशागति या आनुवंशिकता। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर जो चरित्र मतलब कैरेक्टर का जो संचरण या ट्रांसफर होता है, उससे उसकी स्टडी या उसके अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? वंशागति। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर बच्चों जो चरित्र जाते हैं, ये कौन से चरित्र होते हैं? इन्हें आनुवंशिक चरित्र कहा जाता है बच्चों। कौन से चरित्र कहा जाता है? आनुवंशिक। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर जो चरित्र जाएंगे, उन चरित्र कौन से चरित्र जाएंगे बच्चों? आनुवंशिक चरित्र। ठीक है, जो वंशा जो आनुवंशिक जो चरित्र हैं बच्चों, इनको जो ट्रांसफर होने के लिए या मतलब अगली पीढ़ी में जाने के लिए तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले जो जरूरत होती है बच्चों, जीन की। जो भी चरित्र जाएगा उसका कोई ना कोई एक जीन होगा जो उसे अगली पीढ़ी में लेकर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आनुवंशिक चरित्र के लिए जो पहली जो कंडीशन, जो चीज जरूरत होगी, वो क्या होगी? जीन मौजूद होना चाहिए। कोई भी चरित्र तभी जाएगा जब उसका जीन अगली पीढ़ी के अंदर जाएगा होगा। ठीक है, अब मान लो अगली पीढ़ी के अंदर क्या चला गया? जीन तो चला गया, लेकिन वो उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, तो क्या वो चरित्र हमें दिखेगा? नहीं बच्चों, नहीं। अगली जो पीढ़ी के अंदर हमें वो चरित्र तभी दिखेगा जब वो जीन अगली पीढ़ी के अंदर क्या दिखेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा। जब वो व्यक्त होगा या अपना प्रभाव दिखाएगा, तभी ही हमें वो चरित्र अगली पीढ़ी के अंदर दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? जीन भी चला गया, उसने अपना प्रभाव भी दिखा दिया, और तीसरी बात यह है कि वो अपना प्रभाव कब दिखाएगा? जब उसे उपयुक्त स्थिति मिलेगी। क्या मिलेगी? उपयुक्त स्थिति मतलब जब उसे फेवरेबल कंडीशन, जो चीज उसको फेवरेबल या जो स्थिति उसको प्रभाव दिखाने के लिए जरूरी होगी, वो स्थिति उसको मिल जाएगी, तो वो अपना प्रभाव दिखा देगा। ठीक है बच्चों, आनुवंशिक चरित्र को अगली जो पीढ़ी के अंदर एक तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो जीन की जरूरत होगी, फिर उसे अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा, और प्रभाव दिखाने के लिए उसको उपयुक्त स्थिति हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। ठीक है, इन चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात आती है बच्चों, विभिन्नता। हमने जो परिभाषा में सबसे पहले पढ़ा था आनुवंशिकी क्या होता है, आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन होता है। आनुवंशिकता मतलब वंशागति। वंशागति के बारे में बच्चों हमने पढ़ लिया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर जो चरित्र होता है, इसके संचरण या ट्रांसफर होने के जो अध्ययन होता है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? वंशागति या आनुवंशिकता। ठीक है, इसके बारे में बाद में हमने बात की कि कौन सी चरित्र जो अगली पीढ़ी में जाएंगे, आनुवंशिक। कौन से चरित्र? आनुवंशिक या वंशागति चरित्र जो हैं, जेनेटिक कैरेक्टर जो हैं, आनुवंशिक जो चरित्र हैं वो अगली पीढ़ी में जाएंगे बच्चों। इनके लिए तीन चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो जीन मौजूद होना चाहिए उस चरित्र का। उसके बाद में बच्चों क्या होना चाहिए? उसे अपना प्रभाव या उसे अपना व्यक्त होना बहुत जरूरी है, और उसके अपना प्रभाव दिखाने के लिए या व्यक्त होने के लिए
जो उपयुक्त स्थिति की आवश्यकता है, फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं विभिन्नता की। किसकी बात करते हैं बच्चों? विभिन्नता, जो परिभाषा के अंदर दूसरा शब्द आया था आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन। जो विभिन्नता क्या होती है बच्चों? विभिन्नता बच्चों, एक विभिन्नता वह अंतर होता है जो एक प्रजाति के सदस्यों के बीच में मौजूद है। सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पे जाना होगा। विभिन्नता की परिभाषा क्या है? विभिन्नता वह अंतर है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में मौजूद है। हम उदाहरण लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं हाइट का। किसका? हाइट का। कोई एक प्रजाति है मनुष्य, या जो मानव प्रजाति है इसमें बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। सबसे एक उदाहरण हमने लिया हाइट का, कोई 5'9" का भी पाया जाता है, कोई 5'10" का पाया जाता है। विभिन्नता है ना, किसी की 5'9" है, किसी की 5'10" है। ये विभिन्नता है, रंग में भी पाई जाती है, कोई गोरा पाया जाता है, कोई थोड़ा सांवला पाया जाता है। तो ये विभिन्नताएं, इन्हीं को क्या कहते हैं? विभिन्नता, जो अंतर पाया जाता है एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में, इन्हीं अंतर को क्या कहेंगे? विभिन्नता कहेंगे बच्चों। ये अंतर हाइट में भी हो सकता है, ये अंतर रंग में भी हो सकता है, या ये अंतर किसी और चीज में भी पाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों, आप उनको भी एक बार देख लीजिए। जो आनुवंशिका के जो जनक हैं, इन्हें कौन है? मेंडल साहब। जो आनुवंशिकी या जो जेनेटिक के जो फादर हैं, या आनुवंशिकी के जो जनक हैं, वो कौन है? मेंडल हैं। ठीक है, उनके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण नाम आता है, इंपॉर्टेंट नेम आता है, क्या है? डब्ल्यू वाटसन। जो डब्ल्यू वाटसन है, इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का के जनक कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन क्या है बच्चों? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कुछ शब्द दिए थे बच्चों, जो एग्जाम में, जो पेपर में सीधा पूछा जाता है कि ये शब्द किसने दिया था। जो अलील शब्द है बच्चों, ये किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1900 जेनेटिक कब दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 के अंदर। उसके अलावा अलील शब्द भी किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने बच्चों। इसके अलावा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस शब्द भी किसने दिए थे बच्चों? डब्ल्यू वाटसन ने। अलील, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है बच्चों? समयुग्मक। क्या होता है? समयुग्मक। जो हेट्रोजाइगस होता है, ये क्या होता है? विषम युग्मजी। ठीक है, जो हेमीजाइगस होता है बच्चों, जो हेमीजाइगस जो होता है वो क्या